हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं किस तरह से ड्राइंग्स को बनाएंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग स्प्लाइन सीवी एंड स्प्लाइन फिट कमांड को यूज करेंगे। उससे पहले हमने लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज मैं एक ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। तो ड्राइंग बनाने के लिए पहले एक इमेज को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इमेज को इम्पोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एक्सरेफ कमांड लगाई। कौन सी? एक्सरेफ, XREF। इस कमांड के थ्रू आप लोग कोई भी इमेज, कोई भी जेपीजी, कोई भी पीएनजी फाइल एंड कोई भी पीडीएफ्स इंपोर्ट कर सकते हो ऑटोकैड के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोग इस कमांड को लगाएंगे, और कमांड को लगाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर अटैच इमेज का ऑप्शन आएगा। हमने एक इमेज बना रखी है, उस इमेज को हम लोग इम्पोर्ट करेंगे। देखिए इस तरह से आ गया। ये कमांड थोड़ी भारी कमांड है तो थोड़ा टाइम लेता है। यहाँ पे अटैच इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अटैच इमेज, अटैच डॉट पीडीएफ, PDF एंड डॉट पीडीएफ एंड DWG, अदर अदर फॉर्मेट। हमने अटैच इमेज लिया और इमेज लेके हमने डेस्कटॉप पे एक इमेज लिया हुआ है, ये इमेज हमें बनाना है। इसको ओपन कर लिया। ओपन करके यहाँ पे लगाएंगे और लगा के जैसे रखेंगे ये हमारे पास इमेज आ जाएगी, और इस इमेज को हम इस तरह से सेंड करें। और फिर हम लोग देखेंगे तो हमारे सामने एक इमेज आ चुकी है, ये इमेज है, और इस इमेज को देख के यही हमें बनाना है। ठीक है, तो ये बनाने के लिए अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसका कितना है, 145 डिस्टेंस है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा इमेज को छोटा कर देता हूँ क्योंकि इमेज का साइज बहुत बड़ा है। इसको सेलेक्ट करिए, इमेज को इम्पोर्ट किया और इसका साइज बड़ा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे कमांड होती है, इसको बोलते हैं स्केल कमांड। जैसे आप स्केल कमांड पर क्लिक करेंगे, स्केल कमांड पर क्लिक करके आप इसको छोटा कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्लिक 0.2 एंड एंटर, क्योंकि कमांड छोटी, इतनी छोटी रेंज हो गई। ठीक है, अब भी अगर आपको और भी छोटा करना है तो और भी छोटा कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करिए और फिर से यहाँ पे स्केल कमांड या SC एंटर कर दीजिए, एंटर। एंड यहाँ पे जैसे क्लिक किया हमने 0.02 लिख के एंटर कर दिया, क्योंकि हमारी ड्राइंग इतनी बड़ी हो गई। अब हमें अगर इस ड्राइंग को देख के बनाना है अपनी ड्राइंग को, तो जस्ट क्लिक करिए, और क्लिक करके आप देखेंगे तो हमारे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 45। राइट, ये हमारे जो नीचे का डिस्टेंस है 45 है, तो जस्ट क्लिक 45 इंटर। और इसके बाद देखा, आप देखिए जैसे कि इस ये लाइन हमारी बहुत छोटी है और ये इमेज बहुत बड़ा है, तो और छोटा कर लेंगे तो हम और ईजी रहेगा इसको बनाने में। तो इसको लिया, इसको लेके SC इंटर, और यहाँ पर क्लिक करिए, क्लिक करके 0.02 करके इंटर कर दिया। तो अब ये और ये वेरी करेगा, हमको समझ में आएगा कि छोटा है कि बड़ा है, तो हम अपने हिसाब से इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको एडजस्ट। ओके, तो इसका इसको ड्राइंग को बनाने के लिए यहाँ पे हमारा ये 45 जस्ट हमने ड्रॉ किया, 45 और एंटर कर दिया। ऊपर का डिस्टेंस इसमें कितना है, 40 है। तो इस इमेज को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको ऑफसेट करेंगे, ऑफसेट कमांड मैंने पढ़ाया है। ऑफसेट करके ये 4 का ऑफसेट ले रहा था, मैं 4 लिख के एंटर कर दिया। अब ये जो है ये 40 है, और ये ऊपर वाली लाइन 40 है और नीचे वाली 45 है। तो अगर हम लोग ये वाली लाइन को 2.5 इधर से, इसको हम चैम्फर भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पे मिला दें, तो इस तरह से हो सकता है। आप इसको सिलेक्ट करके MI कमांड, मिरर कमांड एंटर, यहाँ पे हम लोग लिख के कर दें एंटर, और फिर इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें, और फिर फ्रेम एंटर, इस तरह से कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन कमांड लेना है, और लाइन कमांड लेके ऐसे जाएंगे तो ये देखिए इसका डिस्टेंस दिया हुआ 40। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, 40 इंटर, और इसके बाद इधर 40, और फिर एक दूसरे को मिलाते हैं। ये देखिए 40 और ये भी 40 और ये भी 40, क्योंकि नीचे का सब सेम है। उसके बाद ये देखिए 2 नीचे आया हुआ है ये, और 8 ऊपर गया हुआ है, बट 8 ऊपर के साथ साथ यहाँ 4 का डिस्टेंस गैपिंग यहाँ पे और 4 की गैपिंग यहाँ पे है। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको ऑफसेट किया 2 का, और फिर यहाँ से 8 का ऑफसेट करा दिया ऊपर की ओर ऐसा, एंड देन एस्केप बटन से कमांड को कैंसिल किया। और यहाँ पे हमारे पास अगर हमें यहाँ पे गैपिंग छोड़ना है तो 4 की गैपिंग छोड़नी है, तो हम L इंटर, लाइन कमांड इंटर, एंड यहाँ पे हमने क्लिक करके 4 इंटर किया और फिर इसको मिला दिया, इसको सिलेक्ट किया, और MI इंटर, इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करके इंटर कर दिया, और फिर इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, फिर ट्रिम डबल इंटर,
इस तरह से ट्रिम इंटर कर दिया। और हमने देखा कि यहाँ पे फोर का रेडियस लगा हुआ है, फोर का फिलेट लगा हुआ है, तो यहाँ पे फिलेट का, यहाँ पे फिलेट कमांड है अदरवाइज एफ इंटर, राइट क्लिक रेडियस फोर इंटर, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। फिर से स्पेस बार को दाब दिया तो आपका क्या होगा कि फिर से कमांड स्टार्ट हो जाएगी, राइट क्लिक ट्रिम के अंदर जाके नो ट्रिम कर दिया हमने और फर्स्ट पर क्लिक किया और ऐसा, क्योंकि ऐसा सेफ है हमारा वहाँ पे। फिर हमने लाइन कमांड लिया, अब देखिए यहाँ पे अगर आप ड्राइंग को देखें तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 40 गया हुआ है, इसके मिड पॉइंट से 40, तो यहाँ पे हमने क्या किया इसके मिड पॉइंट पर क्लिक किया, मिड पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पे 40 ड्रा कर दिया। फिर 8 नीचे आया हुआ है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 नीचे आया हुआ है, ये देखिए 8 नीचे आया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 48 के एंगल पे ही हमारा कप की टोटी है, राइट। तो 48 के एंगल पे लाने के लिए हम लोग को पता है कि यहाँ पे ड्रॉ टूल बार के अंदर हमने पढ़ाया है कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसकी शॉर्ट की है XL, इसे क्लिक किया और क्लिक करके यहाँ पे एंगल पे क्लिक करेंगे 48 और इंटर करेंगे, तो ये देखिए 48 आएगा। फिर ट्री आर डबल इंटर, देखिए आप इसको ट्रिम कर देंगे तो इस तरह से हमारे पास ट्रिम हो जाएगा, ये ट्रिम हो गया। और फिर इसके बाद इस जो टोटी है इसका जो थिकनेस है वो 6 का है, तो ऑफसेट कर दिया हमने इसको 3 ऊपर की ओर और 3 नीचे की ओर। फिर देखिए यहाँ पे 20 का ऑफसेट है, सॉरी 20 का फिलेट है और यहाँ पे 4 का फिलेट है, तो हम लोगों ने क्या किया एफ इंटर राइट क्लिक रेडियस 20 इंटर फर्स्ट वन एंड देन सेकेंड वन, इस तरह से कर दिया। इसके बाद फिर से हमने फिलेट कमांड लिया, राइट क्लिक रेडियस 4, सॉरी 4 इंटर, राइट क्लिक ट्रिम के अंदर जाके ट्रिम कर दिया फर्स्ट एंड देन सेकेंड, इस तरह से हो गया। और फिर यदि किसी से इसको मिलाना है तो आप यहाँ से इसको मिला सकते हो इस तरह से, और फिर इसमें आपको ट्रिम करना डिलीट, अदरवाइज यू कैन ट्रिम, इफ यू वांट यू कैन ट्रिम दिस आल्सो, ऐसा कर दिया, ये कर दिया। अब फिर इसको मिला दीजिए, इसको मिलाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे लाइन कमांड लीजिए और लाइन कमांड लीजिए, इस तरह से मिला दीजिए। फिर इनको हम इरेज कर सकते हैं ऊपर का, यहाँ पे बनाने के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 7, तो हम लोगों ने 7 क्लिक कर दिया, उसकी थिकनेस है 2, तो ऑफसेट कर दिया हमने इसको 1 दिस साइड एंड 1 दिस साइड 1 दिस साइड। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक सर्किल है, देखिए ये देखिए 7 का डिस्टेंस था, 3 का रेडियस का सर्किल है और यहाँ पर 1 रेडियस का क्या बोलते हैं आपका एक छोटा सर्किल है, तो हमने सबसे पहले सी इंटर और यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया एक 3 रेडियस का इंटर। फिर से हमने अगेन कमांड लिया इस, बट इस बार हमने क्या किया, इस बार कमांड लेके यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिया, तो 2 पॉइंट में हम लोग को डायर डालना पड़ता है, तो पहला पॉइंट अब देखिए उसका रेडियस 1 था तो डायर 2 आ गया। फिर टी आर डबल इंटर, इसके तरह से हमने इसको सॉरी टी आर डबल इंटर क्लिक करेंगे तो इससे सेंट्रिंग हो जाएगा, अब बीच वाली लाइन का हमें नीड नहीं है, इसको डिलीट करते हैं। अब इधर हम हैंडल बनाएंगे, हैंडल बनाने के लिए जो यहाँ से डिस्टेंस गया हुआ ये गया हुआ 28, फिर 10 इधर की ओर, फिर 10 का सर्किल है और 12 का रेडियस है, और फिर सबको अंदर की ओर 2 ऑफसेट है। ऐसा बनाने के लिए इमेज को आप डाउनलोड कर लीजिए, इमेज को डाउनलोड करके आप जब देखेंगे ध्यान से तब आपको ये क्लियर होगा कि क्या कैसे बनाना है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही बनाने में तो आप हमें बताइए और मैं फिर से इस पर वीडियो तैयार कर सकता हूँ। अदरवाइज और भी कोई ड्राइंग अगर इस तरह की आपको बनानी है और आपको हेल्प लेनी है तो आप हमें उसको उसकी इमेज को सेंड कर सकते हैं। ओके, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको हमने ऑफसेट कर दिया 2 का अंदर की ओर, और फिर यहाँ पे हमने रेडियस लगा दिया, सॉरी फिलेट लगा दिया, एफ इंटर राइट क्लिक रेडियस और उसका रेडियस है 12 का, तो 12 लिखे इंटर फर्स्ट वन देन सेकेंड वन एंड देन फिर से ऑफसेट कमांड चला दिया हमने 2 का, तो 2 को लिया और इसको लेके अंदर करना, बस आपको ट्रिम करना है, ट्रिम राइट क्लिक, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया, ये ट्रिम कर दिया और ये ट्रिम कर दिया। इस तरह से देखा हमने कि किस तरह से एक कप को तैयार करेंगे, ठीक है। ये एक छोटी स्ट्रेंथ थी जिसके अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड की प्रैक्टिस की, लाइन की प्रैक्टिस की, सर्किल की प्रैक्टिस की और फिलेट की प्रैक्टिस की। तो इसी प्रैक्टिस के लिए, कमांड की प्रैक्टिस के लिए हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, ये ड्राइंग का पहला पार्ट था। मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के बना के आपको दूं, तो आप इस तरह से ड्राइंग्स को बनाते जाइए, और अगर ड्राइंग बनाने कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिफिकल्ट ड्राइंग है, तो आप उसको लिंक में हमें शेयर करिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन पर भी वीडियोस तैयार कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। और हमारी जो रैबिट की सीरीज आ रही है, आप लोग के पास अगर रैबिट सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप हमें कमेंट करिए,
मैं रेविट सॉफ्टवेयर पे एक एक वीडियो तैयार करने जा रहा हूँ, तो आप उसको अगर चाहें तो आप उसको भी फिनिश कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। आपने ऐसे क्यों बोला कि रिवर्स सब्जेक्ट नहीं है, तो आप बताइए। फिर मैं कॉपी करके उसको कुछ दे दूंगा।